राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की बैठक रविवार को बरमसिया वन के पंचायत भवन में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता महिला प्रखंड उपाध्यक्ष गुलेसा खातून ने किया। संचालन महिला जिला संगठन सचिव रेहाना खातून ने किया। अनिता कुमारी के नेतृत्व में काफी महिलाएं और पुरुष बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट पूरे झारखंड में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इस तरह का कार्यक्रम मानव का हर अधिकार की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि गिरिडीह जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि आज हमारा हक अधिकार प्रखंड से लेकर जिला के पदाधिकारियों द्वारा छीनने का काम किया जा रहा है, इसलिए एक एक मानव को जागरूक होना होगा, तभी अपना हक अधिकार ले पाएंगे। बैठक में जिला संगठन सचिव मुखिया मोहम्मद मुस्तकीम, गांडे प्रखंड अध्यक्ष शौकत अहमद, गांडे महिला प्रखंड अध्यक्ष अफसाना खातून, खीरो सिंह मोहम्मद, सलाउद्दीन, धनेश्वरी देवी, सरिता देवी, बसंती देवी, मालती देवी आदि उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की बैठक गांडे प्रखंड के पंचायत बरमसिया वन में पंचायत भवन में रखी गई, जिसमें काफी महिलाएं और पुरुष शामिल हुई और उन्हें पदाधिकारी नियुक्त किया गया और सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार से संबंधित जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। आज हमारे प्रखंड से लेकर के जिला में शासन और प्रशासन और जिला के पदाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारी एक एक मानव को हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अटल बिहारी बजाज जी का जो सपना है कि एक एक मानव को हक अधिकार मिले, उसी को लेकर आज गिरिडीह जिला में एक एक मानव को हक अधिकार दिलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और वैसे हक अधिकार छीनने वाले पदाधिकारियों को राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट सबक सिखाने का काम करेगी।